गुरु नानक अभ्यासार्थ मध्य विद्यालय मौलाबाग में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में भारत शिक्षा यात्रा रथ शुक्रवार को आरा पहुंचा। स्कूल परिसर में ही बृहद कार्यक्रम हुआ। मौके पर पुरानी पेंशन योजना लागू करो और स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने सहित अन्य मांगों को लेकर कार्यक्रम हुआ। शिक्षकों में शशि भूषण पांडे सहित पूरे भोजपुर जिले के शिक्षक मौजूद थे। इस अवसर पर रथ पर सवार होकर आए रामावतार पांडे ने कहा कि सभी शिक्षक एक हों, जिससे केंद्र सरकार विवश हो जाए हमारी मांगों को करने के लिए। रथ गुवाहाटी से चलकर आरा पहुंचा है। लेकर हम लोग यहां पहुंच गए हैं। गुवाहाटी से रथ चला है और बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार होते हुए आज हम आरा में पहुंचे हैं। इस रथ का उद्देश्य है कि हमारे देश के तमाम शिक्षक और कर्मचारियों को अचानक ओपीएस को बंद कर दिया और न्यू पॉलिसी चली, लेकिन ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम में बहुत अंतर है। इसलिए उस अंतर को समझाने के लिए और ओल्ड पेंशन वापस कराने के लिए यह रथ जो है, और उस रथ के माध्यम से जितने कार्यकर्ता गण हैं, जितने पदाधिकारी गण हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और उस रथ के माध्यम से यह समझाया जाता है कि आप अपने अधिकार के प्रति सचेत हो जाइए और अधिकार को लेने के लिए, चूँकि हमारा ओल्ड पेंशन अधिकार है, नहीं तो न्यू पेंशन में हम लोग जितने टीचर हैं और कर्मचारी हैं महासचिव के शब्दों में कटोरा लेके घूमने लगेंगे, परिवार का कोई भी सदस्य हमारी सेवा में नहीं रह पाएगा। इसलिए इसीलिए घूम रहा है कि हम अपने तमाम अधीनस्थ शिक्षकों को उत्प्रेरित कर रहे हैं, उत्प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी IIPTF का आदेश हो उसके संघर्ष में आप शरीक हो, ताकि केंद्रीय सरकार देने को विवश हो जाए ओपीएस। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।